नमस्कार, इन लिंक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। चंद्रमा के कारण धरती पर आएगी तबाही, नासा वैज्ञानिकों ने दी है सबसे बड़ी चेतावनी। 2030 तक चांद के चलते आएगी जल प्रलय। दुनिया इस वक्त कोरोना से कराह रही है, लेकिन अब नासा वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है वो बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है। हकीकत इसलिए लग रही है क्योंकि अगर कोई कनाडा या अमेरिका के कुछ क्षेत्र का नजारा देख लेगा तो तुरंत ही यकीन कर लेगा, जहां सूरज की गर्मी ने इतनी आग उगली कि जानवर उबल गए, इंसान झुलस गए। ये बात किसी रेगिस्तान की हो तो ठीक जान पड़ती है, लेकिन वो इलाके बर्फ से घिरे हैं, मतलब जहां कभी 29 डिग्री तापमान से ज्यादा तापमान नहीं हुआ वहां 50 डिग्री से ऊपर तापमान है। और यहां से एक बड़े खतरे की सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नासा ने इसी जलवायु परिवर्तन को लेकर महाप्रलय की चेतावनी दे डाली है। वक्त भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जल प्रलय 2030 तक आ जाएगी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मतलब केवल 9 साल ही बचे हैं, और इस जल प्रलय में हमारे चंदा मामा महाविनाश का कारण बनने वाले हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में 2030 के दशक में हाई टाइड के कारण होने वाली बाढ़ की रिकॉर्ड में बढ़ोतरी होगी। वैज्ञानिकों ने इसका कारण महासागरों के जलस्तर के बढ़ने के साथ चंद्रमा की कक्षा के डगमगाने को बताया है। नासा की स्टडी के मुताबिक 9 साल बाद दुनिया पर बाढ़ का कहर देखने को मिलेगा। स्टडी में बताया गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा। दुनिया भर में मौसम करवट ले रहा है, कई जगहों पर चक्रवाती तूफानों और बाढ़ की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में भी कुछ दिनों पहले कई चक्रवाती तूफान देखे गए थे। वैज्ञानिक प्रोफेसर फिल थॉम्पसन ने कहा है कि चंद्रमा की कक्षा में हलचल को पूरा होने में करीब 18 साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा में हलचल हमेशा से देखी जाती है, लेकिन इसे खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि ग्रह के गर्म होने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक महीने में 10 से 15 बार ऐसे ही बाढ़ आई तो जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। लोगों के काम काज रुक जाएंगे, पानी भरने से मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी। दुनिया भर की बर्फ और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में नासा की इस भविष्यवाणी से दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए और बचाव योजनाएं बनाना शुरू कर देना चाहिए। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तटीय क्षेत्र जो अभी महीने में सिर्फ 2 या 3 बाढ़ का सामना करते हैं, जल्द ही 1 दर्जन या अधिक का सामना कर सकते हैं। रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि ये बाढ़ पूरे साल प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि कुछ ही महीनों में बड़े पैमाने पर अपना असर दिखाएगी। शोधकर्ताओं ने आगाह किया कि अगर देशों ने अभी से इससे निपटने की योजना शुरू नहीं की तो तटीय बाढ़ से लंबे समय तक मौसम, जीवन और आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। समुद्र के स्तर के साथ चंद्रमा के कंपन का जुड़ना खतरनाक। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण खिंचाव, समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन का संयोजन हमारे समुद्र तटों और दुनिया भर में तटीय बाढ़ को बढ़ाता रहेगा। थॉम्पसन ने कहा कि पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ रहे समुद्र के स्तर के साथ चंद्रमा के कंपन का जुड़ना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पहला दौर समुद्री लहरों को कम रखता है, जहां उच्च ज्वार छोटे होते हैं और भाटा या लो टाइड ऊंचे होंगे, लेकिन दूसरे दौर में उच्च ज्वार और ज्यादा ऊंचे होंगे और भाटा निम्न होंगे। समुद्री जल स्तर के बढ़ने के साथ ही 2030 के दशक में ये प्रभाव और ज्यादा हो जाएंगे। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तटीय क्षेत्र जो अभी महीने में सिर्फ 2 या 3 बाढ़ का सामना करते हैं, जल्द ही 1 दर्जन या अधिक का सामना कर सकते हैं। अध्ययन ने चेतावनी दी है कि ये बाढ़ पूरे साल प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि कुछ ही महीनों में बड़े पैमाने पर अपना असर दिखाएगी। शोधकर्ताओं ने आगाह किया कि अगर देशों ने अभी से इससे निपटने की योजना शुरू नहीं की तो तटीय बाढ़ से लंबे समय तक मौसम, जीवन और आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण में यह बदलाव उसकी कक्षा के डगमगाने से होगा। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड
एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल 2019 में अटलांटिक और खाड़ी तटों पर बाढ़ के 600 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के इस आकर्षण में यह बदलाव उसकी कक्षा के डगमगाने से होगा, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर उच्च ज्वार बढ़ने के रूप में होगा। नासा के एक्सपर्ट ने कहा कि बढ़ती बाढ़ के चलते समुद्र तल के पास से निचले इलाके जोखिम के सबसे नजदीक हैं। आने वाले समय में खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।